वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों व दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ एनसीईआरटी आरबीएससी मैथ और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.3 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हम पहले कर चुके हैं। आज इसका अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 जिसको हम इस वीडियो में हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो टॉपिक्स हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। तो जो प्रश्न नंबर 5 है आपका, ये है बहुपद px, gx, qx और rx ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। ठीक है, हमको इनके ऐसे उदाहरण देने हैं जिनसे जो विभाजन एल्गोरिथम है वो संतुष्ट आपकी होती हो, डिवीजन मेथड आपका अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम वो आपका संतुष्ट होता हो। हमें इस तरह के एग्जांपल देने हैं जिसमें यहाँ पर 3 पॉइंट आपके सामने रखे गए हैं, इनको ध्यान में रखकर हमको यहाँ पर उदाहरण देने हैं। ऐसे पहला है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, मतलब एग्जाम्पल ऐसा हो जहाँ पर जितनी पी एक्स की घात होगी उतनी ही घात QX जो हमें प्राप्त होगा उसकी भी होनी चाहिए। ठीक है, QX की घात और ये RX की घात भी समान होनी चाहिए और RX की घात क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इस तरह हमको 3 पॉइंट दिए, इन तीनों पॉइंटों को माइंड में ध्यान रखते हुए ही हमको ये प्रश्न सॉल्व करना है। अर्थात हमको 3 उदाहरण आपको यहाँ पर देकर दिखाने हैं जो हमारी विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं, बड़े आसान तरीके से करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं, तो कुछ बेसिक चीजें जो है इसकी, पहले उनको हम समझ लेते हैं, बुक को हम साइड में रखेंगे, कुछ बेसिक पार्ट जो है पहले उसको समझना बहुत जरूरी होता है। बेसिक समझ में आ गया अर्थात सब कुछ समझ में आ गया। जो पहला जो प्रश्न आपके दम जो दिया हुआ है उसमें घात के रूप में वो दिया हुआ है पी एक्स बराबर क्यू एक्स होना चाहिए। ठीक है ना, घात और इसकी भी घात, दोनों की घात समान होनी चाहिए। तो इसको करने से पहले कुछ बेसिक पार्ट है जिस पर हम नजर रख लेते हैं अपनी। एक बात करते हैं px की, px को बोलते हैं अपन भाज्य, जिसमें भाग दिया जाएगा। हाँ जी, dx भाजक जो भाग देगा प्लस qx भागफल, भाग देने पर जो प्राप्त होगा उसे कहते हैं भागफल, प्लस rx, यहां तो आया कौन सॉरी, प्लस इसको कहते हैं अपन शेषफल। बस ये बात आपको समझनी है। ठीक है, भाजक को भागफल से गुणा करने पर जब हम उसमें शेषफल जोड़ देते हैं तो हमारा भाज्य हमें प्राप्त हो जाता है। इस बात को थोड़ा और समझ लेते हैं, भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाएगा। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूँ छोटा सा। ये 5 है, 5 में हमने 2 का भाग दिया, 2 × 2 = 4, तो ये तो क्या हो गया आपका भाज्य, 5 क्या हो गया आपका भाजक, 2 क्या हो गया आपका भागफल, 1 क्या हो गया आपका शेषफल। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, अब बड़ा प्यारा फॉर्मूला है इसका, जब भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ देंगे तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, और प्रश्न में क्या दिया है, जो px है आपका है ना और जो आपका gx है इनकी पावर जो है समान होनी चाहिए, मतलब
जिसका भाग जिसे भाग दिया जा रहा है और जिसका देंगे उनकी घात समान होनी चाहिए। इस तरह का अंगूर व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करते समय ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपको कोई अलग से नंबर्स नहीं दिए गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको खुद के अकॉर्डिंग यहाँ पर समीकरण सेट करना है, आपको संख्या अपने अकॉर्डिंग लेनी है। हो सकता है आपका प्रश्न जो उत्तर माला है उसमें आपका आंसर ना मिले, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कौन सी संख्या ली है, हम कौन सी ले रहे हैं, तो संख्या वो लेनी जो आप चाहते हो, ठीक है ना, वो करेंगे अपन इसके अंदर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक निवेदन है आपसे, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसके सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन है वो भी दबा दें, जिससे आपको जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। क्योंकि अपन यहाँ पर 10th क्लास की पढ़ाई हो रही है, फिर 12th की भी होती है, अपन ज्योग्राफी कंप्यूटर साइंस और कॉम्पिटिशन की तैयारी भी करवाते हैं अपन। साथ में आपको 12th के बाद क्या करना है, कौन सी डिग्री बेटर रहेगी आपके लिए, उस तरह की भी वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। और क्या बिजनेस करना चाहिए, इस तरह के भी छोटी मोटी ज्ञान में आपको उपलब्ध कराता है रहता हूँ। तो चैनल में बने रहने के लिए एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर करें, अच्छा लगे तो। चलो तो हम क्या करते हैं, आप एक नंबर लेते हैं अपन, मैंने लिया 2x प्लस का 4, ये लिया मैंने भाजी, क्या लिया मैंने 2x प्लस 4, ये अपनी इच्छा से लिया जो आप ले सकते हो। dx भाजक क्या लिया मैंने 2 लिया। अब मुझे यहां पर इसको डिवाइड करके दिखाना है, ठीक है। देखो डिवाइड करने का फॉर्मूला मैंने बहुत प्यारा बता रखा है आपको पहले से, 2x डिवाइड बाई 2 कर दो, फर्स्ट फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा x, तो x को यहाँ लिख देंगे, क्लियर। अब इसको गुणा करेंगे, 2 गुणा x करेंगे कितना जाएगा, 2x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज होंगे, ये माइनस का है तो प्लस का, तो माइनस हो जाएगा, इट मीन्स कट गया, क्या बचा इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब 4 को नीचे लेके आएंगे, अब इस 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 था 4, 2 टाइम हुआ, तो यहाँ पर हम 2 को लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 0 हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। देखो ये हो गया, अब देखो समझ वाली बात यहाँ पर है, उसने कहा एग्जाम्पल दो, हमने उदाहरण दे भी दिया, उदाहरण देने के लिए हमने जो भाज्य है वो तो लिया 2x प्लस 4 और भाजक लिया था हमने 2, तो उदाहरण हमने दे दिया। अब उदाहरण देने के बाद हमारे पास जो प्राप्त हुआ उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो हमने px लिया था, मतलब भाज्य जो लिया था हमने, वो लिया था 2x प्लस का 4, और जो हमें भागफल मिला है, क्योंकि यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है, सॉरी थोड़ा गलती हुई, जी एक्स से क्यू है यहाँ पर, क्यू, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो पी एक्स जो हमें प्राप्त हुआ ये था, क्यू मतलब भागफल, ठीक है, भागफल, ये वाला भागफल, तो हम क्यू रखते हैं पहले, क्योंकि हमको क्या दिखाना है कि जो भाज्य है और जो भागफल है इन दोनों की पावर समान आनी चाहिए। तो हमने जो भाज्य अपनी इच्छा से रखा था, हमने क्या रखा था 2x प्लस 4, करने पर क्यू एक्स मतलब भागफल क्या है आपका, देखते हैं, x प्लस 2। अब देखो इसकी भी पावर जो है, x की पावर भी एक ही है, इसकी पावर भी एक है, दोनों क्या आ गए समान यहाँ पर आ चुके हैं। ये हमको यहाँ पर करके दिखाना था कि इसकी पावर भी एक है, इसकी घात भी एक है, दोनों की घात ही, दोनों की पावर क्या है, एक एक है, वही हमने यहाँ पर दिखा दिया, आपको करके दिखा दिया, बस मेन अपना ये था जो हम निकल के आ गया। बाकी हम और लिख लेते हैं, dx क्या दिया था हमने, 2 लिया था, और हमारा जो रिमाइंडर आया था वो आया था 0 आया था, ठीक है, ये हमने करके दिखा दिया, यही दोनों क्या है समान। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका इसका जो पार्ट सेकंड है वो हम यहाँ पर करते हैं।
जो पाठ है सेकंड आपका इसका वो क्या कहता है? देखो पाठ सेकंड कह रहा है इसका, घात क्यू एक्स मतलब भागफल बराबर होना चाहिए। अब की बार घात आर एक्स मतलब अब जो भागफल आएगा और जो शेषफल आएगा वो दोनों बराबर होने चाहिए और दोनों की जो पावर है घात है वो बराबर होनी चाहिए। ये आपको करके दिखाना है, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो मतलब स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो एल्गोरिथम होता है अपना, ठीक है। तो चलो लिखते हैं विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम हाँ पहले वाले क्वेश्चन में लिखना भूल गया था, अब लिख सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम से, ठीक है। बाकी तो सब कुछ सेम टू सेम लिखा हुआ है, ये आपको लिखना है हर प्रश्न में आपको चीजें लिख के दिखानी है, मजा आएगा लिख के दिखाओगे तो। हमें पता है जब भाजक गुणा भागफल और शेषफल प्लस कर देंगे तो भाज हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखो इक्वल भाजक जो है आपका ये हमने रखा टू मल्टीप्लाई, आपका जो भागफल है ये हमने रखा एक्स प्लस वन और शेषफल हमने रखा टू एक्स। अब हल करते हैं इसको, दो गुना एक्स करेंगे दो एक्स, दो गुना एक करेंगे तो दो एक दो प्लस का ये टू एक्स। अब देखो ये टू एक्स कितना हो गया आपका फोर एक्स प्लस का टू आ गया, अर्थात ये क्या आ गया आपका पी एक्स आ गया। तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ देखो, पी एक्स हमें प्राप्त हुआ फोर एक्स प्लस टू, हमें जो भाजक है आपका वो हमने रखा था टू और क्यू एक्स मतलब भागफल रखा था हमने एक्स प्लस वन और जो शेषफल था आपका रिमाइंडर वो था आपका टू एक्स। अब देखो क्यू और आर दोनों के जो हैं पावर अधिकतम पावर वन ही है, दोनों समान है, तो ये भी यहाँ पर बहुत आसानी से हमने यहाँ पर हल कर दिया है। चलो अब इसका पार्ट नंबर थर्ड लेते हैं अपन, इसको भी लिख के छोड़ देते हैं विभाजन एल्गोरिथम से, प्रत्येक प्रश्न में आपको ये लिख के रखना है। ध्यान रखें, चलो अब प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहां चेंज कर देंगे अपन, यहां पर अब की बार क्या लिया हुआ है घात आर एक्स बराबर आपके होना चाहिए जीरो हो जाना चाहिए, मतलब शेषफल क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। पढ़ा ही तो आसान है, मन मर्जी से नंबर रख सकते हैं अपन, बस आपको इसका समाधान करके आपको दिखाना है। देखो अब हम रखते हैं क्या स्टेप बाय स्टेप रखते चलेंगे, ठीक है। भाजक हमने क्या रखा एक्स मल्टीप्लाई, भागफल रखा हमने x प्लस वन और शेषफल क्या रखते हमने जीरो रख दिया, इससे क्या प्राप्त होगा हमें पी एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। चलो इसको हल करना है, x गुना x करेंगे तो x की स्क्वायर आ जाएगा, x गुना एक करेंगे तो क्या जाएगा x आ जाएगा प्लस यहाँ पर जीरो आ जाएगा,
अब देखो ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये जीरो, तो जीरो किसी में प्लस करेंगे सेम वही संख्या आ जाएगी, अर्थात पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमें प्राप्त हो गया। अब इनको लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में, वही पी एक्स हमने रखा, सॉरी प्राप्त हुआ हमें एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, और डी एक्स मतलब भाजक हमें प्राप्त हुआ है आपका यहाँ पर क्या रखा था हमने एक्स, और क्यू एक्स हमने रखा था इधर एक्स प्लस का वन, और हमने आर मतलब शेष पर रखा था यहाँ पर जीरो। हमें शो करना था कि जीरो होना चाहिए, बिल्कुल हमने जीरो रख के ही शो किया किया और अपन को ये मिल गया पी एक्स कि हमारे यहाँ पर इतने आसानी से इसका समाधान हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों पार्ट इसके समझ में आए होंगे प्रश्न नंबर 5 के। अब यहीं पर ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अब जो अगली प्रश्नावली है प्रश्नावली 3 दो चर वाले रेखीय युग्म समीकरण, ये हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में आता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।